सोनाली फोगाट को रेप करने के बाद मारा गया। भाई रिंकू का आरोप, पी सुधीर ने नशीला पदार्थ पिलाकर किया रेप। हरियाणा की बीजेपी लीडर सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े मामलों में अब उनका दुष्कर्म होने और ब्लैकमेल किए जाने के आरोप लगाए गए। जहाँ अंजुना पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं और हमारी कोई कार्रवाई ना सुनवाई हो रही है। गोवा प्रशासन, पुलिस प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है और अपराधियों के साथ मिला हुआ है। हम ईमानदारी से बाहर भीग रहे हैं और अपराधी अंदर आराम से मजे से बैठे हैं, उनको कुछ नहीं कहा जा रहा है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में रहने वाले सोनाली के छोटे भाई रिंकू ढाका ने अपनी बहन के पीए सुधीर सांगवान और उनके दोस्त सुखविंदर पर सोनाली के खाने में नशीला पदार्थ देकर उससे दुष्कर्म और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही सोनाली की संपत्ति हड़पने व राजनीतिक षड्यंत्र रचते हुए हत्या करने की बात भी कही गई है। इस बारे में रिंकू ने एक लिखित शिकायत गोवा पुलिस को देकर कार्रवाई करने की मांग की है। भूठन कलाम सोनाली का पैतृक गांव है। सोनाली अपनी माता पिता दोनों भाइयों और भाभियों के साथ इसी गांव में रहती है। इसी बीच गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े केस की गोवा पुलिस गहनता से जाँच कर रही है। गोवा के डीजीपी खुद इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गोवा पुलिस उसके हरियाणा की जो केस हुई है उसके बारे में सीरियसली देख रहे हैं। डीजीपी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी डॉक्टर्स और डीजीपी के कहने के अनुसार वो कार्डियक अरेस्ट जैसे लग रहा है। रिंकू ढाका ने बताया कि उनकी बहन सोनाली फोगाट की शादी हिसार में हुई। कुछ समय पहले डीजे संजय फोगाट का देहांत हो गया। इसके बाद सोनाली भाजपा में शामिल हुई और राजनीति के साथ अपने करियर में बिजी रही। 2019 चुनाव के दौरान रोहतक निवासी सुधीर सांगवान और दीवानी निवासी सुखविंदर कार्यकर्ता के रूप में आए और सोनाली से जुड़े। सुधीर व सुखविंदर ने सोनाली को विश्वास में ले लिया और सुधीर सोनाली के पीए के रूप में काम करने लगा। शिकायतकर्ता रिंकू के अनुसार 2021 में सोनाली के घर चोरी हुई जिसे सुधीर ने ही कराई थी। इसके बाद कुक और अन्य स्टाफ को हटा दिया गया और खाने की व्यवस्था सुधीर करने लगा। आरोप है कि सोनाली ने खुद उन्हें बताया था कि सुधीर ने उसे खीर खिलाई जिसके बाद उसके हाथ पैर कांपने लगे और काम करना बंद कर दिया। रिंकू ने बताया कि सारे लेनदेन व कागजी कार्रवाई सुधीर करता था। अभी 22 अगस्त को सोनाली ने अपने छोटे जीजा अमन को फोन करके बताया था कि सुधीर ने उसे खाने में कुछ खिला दिया है जिससे उसे बेचैनी हो रही है। सुधीर ने 3 साल पहले ही हिसार में स्थित घर पर उसे नशीला पदार्थ खाने में मिलाकर खिलाया और फिर दुष्कर्म किया। उसने इसका वीडियो भी बना लिया था। इसी वीडियो को दिखाकर वह सोनाली को ब्लैकमेल कर बार बार दुष्कर्म करता रहा। सुधीर सोनाली को उसका राजनीतिक व फिल्मी कैरियर खत्म होने की धमकी देता था। उसके दोनों फोन, प्रॉपर्टी के कागज, एटीएम कार्ड और घर की चाबियां सुधीर अपने पास ही रखता था। शिकायतकर्ता के अनुसार सोनाली ने कहा था कि सुधीर अपने दोस्त सुखविंदर सिंह के साथ मिलकर कितनी गलत कर सकता है। उसके बाद फोन काट दिया और सुबह सुधीर ने उन्हें बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान सोनाली का निधन हो गया। रिंकू ने बताया कि जब परिजन गोवा पहुंचे तो पता चला कि वहां कोई शूटिंग नहीं हो रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सुधीर ने सोनाली की संपत्ति हड़पने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र रचते हुए दोस्त सुखविंदर के साथ मिलकर उसकी हत्या की। सुधीर ने सोनाली की मौत की खबर परिजनों को दी थी। इसके बाद जब कॉल किया गया तो सुधीर ने फोन नहीं उठाया। उसने अपना और सोनाली का फोन बंद कर दिया था। सोनाली फोगाट की मौत के बाद उनकी इकलौती बेटी यशोधरा बुधवार को पहली बार कैमरे के सामने आई। अपनी माँ के हिसार स्थित फार्म हाउस पर मौसी रेमंड फोगाट के साथ मौजूद 15 वर्षीय यशोधरा ने नम आंखों के साथ सरकार से अपील की कि उसके माँ के गुनाहगारों को पकड़ा जाए। यशोधरा ने कहा कि मामले की तहतक जांच करवाकर उसकी माँ को इंसाफ दिलाना चाहिए। जिन लोगों ने भी उसकी माँ की जान ली है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जस्टिस मिलना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर, और जो कल्प्रिट है उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और उसको हिरासत में रखा है सुधीर को कि वो कहीं बाहर है या कैसे है, उसको गिरफ्त रखा हुआ है कि नहीं? वो फॉर्मेलिटी पे बिठा रखा है। प्राइमरी काउंसलिंग जांच में यह केस हार्ट अटैक का लग रहा है। हालांकि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चल पाएगी। सोनाली फोगाट की मौत के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।